हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन एसएसबी ओडिशा का जो एग्ज़ाम है उसको हम जो है कवर करने की, सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से एक टॉपिक रहता है, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि वो हो गया कंप्लीट, तो उसमें से एक टॉपिक रहता है, मैं करवाऊंगी। और इसके अलावा जो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, इसमें भी एजुकेशनल अप्रोच, टीम टीचिंग, कुछ एक टॉपिक्स रहते हैं, वो भी मैं इसके बाद कराऊंगी। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एजुकेशनल ट्रेंड्स थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं पहले उनको कवर करवा रही थी। एंड सबसे पहले आई एम सॉरी, अभी तक क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई, बीच में गैप हो गया है 3-4 दिन का कुछ गड़बड़ की वजह से। एंड अब आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगे एंड विद इन अ वीक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टेंशन की कोई बात है नहीं। ठीक है जी। सो अभी देखिए, हमारे सिलेबस में मेंशन है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स में हमने टेलीकॉन्फ्रेंस कर लिया, उसके अलावा इन्होंने इनसेट मेंशन किया है। इनसेट जो है वो भी ऑब्वियसली सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन टॉपिक के अंडर आएगा, जिसमें और भी सैटेलाइट्स हैं जैसे SITE हो गया, इग्नू हो गया या फिर एजुसेट हो गया, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, और इन सब के बारे में पता होने से पहले भी हमें सैटेलाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए चीज़ें। सो इस लेक्चर में हम ये जो बेसिक्स हैं सैटेलाइट के उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, इन सब को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इसके बाद आज ही कुछ थोड़े टाइम बाद जो है एक और लेक्चर डलेगा, जिसमें आपको ये साइट, इग्नू, इनसेट और एजुसेट, सिर्फ सीधा मैं वहीं से शुरू करूंगी साइट से ही, तो साइट, इग्नू, इनसेट और एजुसेट के बारे में हम इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो कि विद इन 2 or 3 hours आपके सामने होगा। ठीक है जी। सो अभी हम एक बार सैटेलाइट से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ माय हेल्थ और थोड़ा सा 1-2 दिन बाहर थी मैं कहीं, तो उस वजह से चीजें डिले हुई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम फीलिंग बेटर, अब बिल्कुल सही है सिचुएशन। सो मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने पे पूरा फोकस रहेगा। ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट्स होते क्या है? तो सैटेलाइट एक स्पेसक्राफ्ट होता है जी, यानी स्पेस में हम उसको भेजते हैं, जो कि सिग्नल्स रिसीव करेगा फ्रॉम अ ट्रांसमीटर ऑन अर्थ और उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, यानी उनके एम्पलीट्यूड में बढ़ावा होगा और उनकी करियर फ्रिक्वेंसीज को चेंज करेगा, और जो रिट्रांसमिट करेगा किसको, जो फ्रिक्वेंसी उन्होंने एम्पलीफाई किए, जो एम्पलीफाई किए सिग्नल्स, उनको रिसीवर के पास। बेसिकली ये मान लो सैटेलाइट है, यहां पे धरती है और धरती में यहां एक पोजीशन है जहां से ये सिग्नल ले रहा है और फिर उनको एम्पलीफाई करके किसी दूसरे रिमोट एरिया में, दूसरी जगह पे भेज रहा है। ठीक है। सो ये क्या होगा, सैटेलाइट होगा, ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमारी हेल्प करेंगे बहुत सारी चीजें करने में। ठीक है। स्पेस एज और लॉन्च ऑफ सैटेलाइट जो है वो 1957 में शुरू हुआ, जो लॉन्चिंग है स्पुतनिक की बाय द फॉर्मर USSR सबसे पहले की गई थी। स्पुतनिक जो सैटेलाइट है वो सबसे पहले बाहर भेजा गया था। ठीक है। उसके बाद से तो नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो भेजे जा रहे हैं। अभी अपना Chandrayaan-3 भी लैंड होने वाला है आज, तो वो ओवरऑल क्या है चीजें, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हो, डिजास्टर वार्निंग से, डिफेंस से, किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो कम्युनिकेशन में भी एजुकेशनल टेलीकम्युनिकेशन हो। ठीक है। सो वो सारी चीजों के लिए बहुत बार हमें सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है उनको स्पेस में भेजा भी गया है, इसीलिए इनको स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं हम। ओके। अब जब सैटेलाइट अब कहां जाएगा, तो एक ऑर्बिट में तो जाएगा ना, तो सैटेलाइट ऑर्बिट तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि यहां पे अगर हमारी अर्थ है तो यहां से निकल के और कौन से ऑर्बिट में और कहां जाएगा। सो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं जहां पे आपका सैटेलाइट जाएगा। ऑर्बिट का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है यहां पे लाइन बनी हुई है कि ये वाला ये ऑर्बिट है, ये वाला ये, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो स्पेस है, मतलब ये अगर अर्थ है तो इसके बाहर पूरा स्पेस है। ठीक है। कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि अब सैटेलाइट कितनी दूर जाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पे डिपेंड करेगा, SLV पे डिपेंड करेगा। ठीक है। यानी कि यहां पे अगर मैं सैटेलाइट यहां से किसी रॉकेट में या कैसे भी लॉन्च कर रही हूं, सो ये कितने प्रेशर के साथ इसको ऊपर फेंक रहा है। ठीक है। तो जितनी प्रेशर के साथ ऊपर फेंकेगा, जितना उस रॉकेट में दम होगा, जितनी दूर वो पहुंचेगा, और वहां पर जाके जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गए और जब हमारा सैटेलाइट लॉन्च होगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सो वो एक ऑर्बिट हो जाएगा। ऑर्बिट हम इसको ही तो बोलते हैं कि हाँ ये राउंड राउंड राउंड, दैट्स इट।
ठीक है, सो वो ऑर्बिट होता है। सो ऑर्बिट में हम यूजुअली चार टाइप्स पढ़ लेते हैं, लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। सो आपने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बहुत बार सुना होगा। लो ऑर्बिट मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे, कि पहले जब इनिशियल हमने टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू की थी वो बहुत लो थे हम स्पेस टेक्नोलॉजी में। सो धरती के बिल्कुल पास तक ही हम लॉन्च कर पाते थे, बहुत ज्यादा दूर तक हमारे पास इतने जो है रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ऐसा कुछ बनाएं जिससे बहुत दूर तक हम लॉन्च कर सकें उसको, ठीक है। सो वो एक सफिस्टिकेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हमारे पास ऐसा मजबूत नहीं था कि हम बहुत दूर तक उसको भेज सकें। सो धरती से थोड़ा सा ही दूर हम भेज पाते थे, प्लस जो लो ऑर्बिट में थे वो बहुत रैपिडली जो है चीजों को क्या करते थे, ओरिजन टू ओरिजन ये पास होते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का जो पीरियड है वो ये कम्युनिकेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए कर पाते थे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोअर ऑर्बिट में मैनेज कर पाते थे, हमें फिर दोबारा से भेजने पड़ते थे। मीडियम ऑर्बिट क्या रहेगा, यानी कुछ एक 100 से लेके कुछ 1000 किलोमीटर हम अर्थ के स्पेस से दूर भेज रहे हैं, मतलब अर्थ के जो सरफेस है उससे 100 से 1000 किलोमीटर दूर हम सैटेलाइट्स जो है भेज रहे हैं। तो वो एरिया क्या होगा, वो सैटेलाइट ऑर्बिट को हम मीडियम ऑर्बिट बोलेंगे, क्योंकि तब तक ऑब्वियसली पहले लो ऑर्बिट था। अगर हम थोड़े से और ऊपर तक भेज पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो हमने बढ़िया बना लिया है थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली। सो वो हमने अच्छा डिजाइन किया जिसकी वजह से हम लोअर की बजाय थोड़े से और हाई ऑर्बिट में भेज पा रहे हैं, जिसको हम मीडियम ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट्स जो इस ऑर्बिट में रहेंगे वो भी रैपिडली ही रिवॉल्व करते हैं, और कई बार आपने ध्यान दिया होगा हम एंटीना वगैरह होता है ना कि थोड़ा मूव करके देखते हैं कि कहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो वो कई बार हमें एंटीना जो है वो मूव करने पड़ते हैं ताकि हम स्पेस में जो सैटेलाइट है उसकी पोजिशन को मैच कर पाए और हमें सिग्नल जो है वो मिल जाए, ठीक है। इस केस में ऑब्वियसली दो एंटीना जो है वो इंस्टॉल्ड रहेंगे, एक एंटीना जो कि सेटिंग सैटेलाइट को फॉलो करेगा और एक जो है फॉलोज द राइजिंग वन। तो दो एंटीना जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। देन आता है जी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, एक तो डिस्टेंस ध्यान रख सकते हैं आप इसका 36,000 किलोमीटर अर्थ की स्पेस अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट है इतनी दूर उसको हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोल रहे हैं। ये इतनी मतलब वहां पे इतनी फास्ट ये रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, जो धरती पे इंसान है उनको ऐसे लगेगा कि ये स्टेशनरी ही हैं, ठीक है। तो धरती वालों को उनकी स्पीड जो है मतलब वो इस स्पीड से मूव करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि वो वहीं पर ही है। तो इसको हम जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, कि यहाँ पे स्पीड इतनी तेज होती है कि आपको लगे कि वो वहां पर स्टेशनरी है, यानी एक ही पोजिशन में है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता, वो मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर देखें दीज डेज मोस्ट ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, वो हम इसी में ही लॉन्च करते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं इन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन कंपेयर टू लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड सिस्टम। वो ऑब्वियसली मतलब वहां से बेटर हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे लो की बजाय मीडियम में, मीडियम की बजाय जियोसिंक्रोनस में, और इससे भी ऊपर जो चले गए वो होंगे हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हाई अर्थ ऑर्बिट जो है वो एक जियोसेंट्रिक ऑर्बिट बोला जाता है। सो आपको जियोसेंट्रिक और जियोस्टेशनरी में मतलब पता होना चाहिए, जियोस्टेशनरी से ऊपर कहीं पर लाए करेगा जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, ठीक है जी। सो ये चार ऑर्बिट पता होने चाहिए। ऑर्बिट क्यों, क्योंकि सैटेलाइट उसके अंदर उसके उस तब वहां तक हम पहुंचा पा रहे हैं ऑर्बिट तक, और उसके बाद वो उसके अंदर क्या कर रहा है, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, तो बहुत सारी चीजों के लिए हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, वेदर के लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है, रिकॉन्सेंस के लिए, देन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए। सो बहुत सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो जिस चीज के लिए हम यूज करेंगे उसी के प्रति उसका नाम पड़ जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग या नेविगेशनल सैटेलाइट, इस तरीके से नाम चेंज होते रहेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1960 में भेजा गया था, जो कि इको वन ये लॉन्च किया गया था, इको वन, ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हैं, बट रटने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके में सीधा इनसेट दे रखा है सिलेबस में, तो फिर आपको इन सबको रटने की जरूरत शायद नहीं है। रिले वन और टेलीस्टार वन ये 1962 में लॉन्च किए गए थे। इंडिया का जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो था इनसेट 4A। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ऑब्वियसली हमें लिंकअप प्रोवाइड करते हैं रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इन सब के लिए। सो ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड।
वेदर सैटेलाइट हमें वेदर के बारे में बताते हैं. सबसे पहला वेदर सैटेलाइट टिरसो टिरोस TIROS टिरोस फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया था 1960 में. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने बताया ना 1957 के बाद हमने चीजें शुरू की. 57 में स्पुतनिक हुआ, उसके बाद जो है और बाकी सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च होते गए धीरे धीरे. ठीक है, सो ऑब्वियसली वेदर सैटेलाइट है तो वेदर के बारे में हमें बताएगा, हुरिकेन्स और साइक्लोन्स के बारे में हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा. दो बेसिक टाइप ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट. क्योंकि जियो स्टेशनरी की अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत सारे, मतलब जियो स्टेशनरी में ऐसा ही बोला जाता है कि अगर हमने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दे तो वो पूरी धरती के ऊपर जो है उनकी रेंज रहेगी, बट पोलर ऑर्बिट पे नहीं रहेगी, एक्सेप्ट पोलर ऑर्बिट. तो हमें पोलर एरिया के लिए अलग से एक वो लॉन्च करना पड़ता है क्योंकि वहां से पोलर ऑर्बिट फिर बेटर तरीके से हम देख पाते हैं. तो जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट ये दो चीजें अलग अलग रहेंगी. दो यहां पर क्या है हमारे पास, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स जो है वो है. जियो स्टेशनरी टाइप जो है वो वेदर डाटा और पिक्चर्स जो है वो कवर करेगा, एक सेक्शन ऑफ यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. सो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, इसलिए पोलर एरिया को कवर करने के लिए पोलर ऑर्बिट होता है, वहां लॉन्च करना पड़ेगा. नेविगेशनल सैटेलाइट GPS आप सबने सुना है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है नेविगेशनल सैटेलाइट में, जो कि डाटा प्रोवाइड करता है कि आप किस लोकेशन पे कहां पे हैं. तो GPS जो है वो रिलायबल लोकेशन बोली जाती है, कहीं पर भी वो रिलायबल लोकेशन आपको बताएगा कि आप कहां पर प्रेजेंट हैं. यूएस इनको मेंटेन करता है और कोई भी धरती पर कहीं पर भी GPS से अपनी एक्सेस ले सकता है, यानी GPS हर जगह चलेगा. आप इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं पर भी हो, GPS का जो सिस्टम है वो हर जगह अवेलेबल आपको दिखाई देगा. सो ऑब्वियसली ये मैप मेकिंग या ट्रैक करने में, सर्विजिलियंस में, इन सब चीजों में ये हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा. फर्दर बात करें सैटेलाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, तो सैटेलाइट्स की पावर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो लाइव सैटेलाइट है उसको कन्वेंशनल पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या लगा के भेजा ऑलरेडी, सोलर सिस्टम के लिए सोलर बैटरीज लगा के भेजी हैं. सो वो सोलर बैटरीज जो है वो क्या करेंगी, सन से एनर्जी लेके और उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करके इन बैटरीज को रिचार्ज कर देंगी, जो जिन बैटरी के ऊपर ये सैटेलाइट हमारा चल रहा है. तो सोलर पैनल्स जो है वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगी और जिसकी वजह से सैटेलाइट फंक्शन करता रहेगा. ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा पावर, जैसे हम अगर धरती पे कोई चीज बना रहे हैं या टेरिस्ट्रियल कम्युनिकेशन की बात करें, सो वहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी में पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे वो पावर हमें कॉन्टिन्यूटी में सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात करें तो कवरेज एरिया ज्यादा होगा सैटेलाइट से, जैसे हमने अभी बताया. मैंने ये भी बताया आपको कि अगर हम जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी एल्टीट्यूड ऑर्बिट है उसमें 3 सैटेलाइट अगर हम लॉन्च कर देते हैं तो स्पेस साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि एंटायर अर्थ पे हम कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट पोलर रीजन, क्योंकि पोलर रीजन वहां से इस ऑर्बिट से विजिबल नहीं होता तो वहां तक हमारी रेंज नहीं जाएगी, अदरवाइज हम बाकी जगह पे सिर्फ 3 सैटेलाइट से पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं. ठीक है, सो कवरेज एरिया बहुत ज्यादा होता है इनका, सैटेलाइट्स का. मल्टीपर्पज यूज के लिए हम कर सकते हैं ऑब्वियसली रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, डाटा ट्रैफिक या और भी बहुत सारी चीजें, कि हमें सोयल सर्वे करना है, फ्लड बतानी है, फॉरेस्ट्री, ओशनोग्राफी, किसी भी चीज का पता करना है, हम सैटेलाइट्स जो है उसके कम्युनिकेशन या सैटेलाइट से हम अलग अलग पर्पजेस जो है वो सोल्व कर सकते हैं. ओके, देन है जी कॉस्ट. कॉस्ट की बात करें, ऑब्वियसली सैटेलाइट की जब बात आएगी तो इनिशियली कॉस्ट बहुत हाई होती है जब भी आप लॉन्च करते हैं, स्पेशली फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि जो अभी भी डेवलपिंग या डेवलप भी नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले पे डेवलप कंट्रीज, देन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उससे नीचे वाले जो कंट्रीज बच गए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ जाएंगे हमारे पास. ठीक है, मल्टीपर्पज सैटेलाइट जैसे इनसेट है जो हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके लिए भी ह्यूज फाइनेंशियल एलोकेशन जो है उसकी फैब्रिकेशन में, मतलब उसको बनाने में, लॉन्च करने में बहुत पैसा लगता है. उसके अलावा अगर हम इनसेट 1B की बात करें, जो कि इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको 1983 में लॉन्च किया गया था, हाँ ठीक है, 1983, जिसको हम इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बोल रहे हैं, तो इनिशियली बहुत 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 पैसा लगता है इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद की बात करें सो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बाद में हमें काम आ जाती है देखा जाए तो. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात करें, सैटेलाइट तो हम स्पेस में भेज रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब हम लोकली धरती पे ही कुछ जो है टावर लगा रहे हैं या चीजें कर रहे हैं,
वो चीजें जब करने में उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है, बट इंफॉर्मेशन हम उसके लिए लिमिटेड दे पाते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे जब हम टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट सिस्टम को कंपेयर करेंगे। सो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में कंपैरेटिवली इनिशियल जो है फंडिंग कम लगेगी, सैटेलाइट में ज्यादा लगेगी, लेकिन सैटेलाइट कवरेज भी तो ज्यादा दे रहा है और उसके लिए बेनिफिट भी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल। ओके, देन है जी प्लानिंग। ऑब्वियसली जब हम सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम हमें देना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन वाली चीजें सेटअप करने के लिए। यूज ऑफ सैटेलाइट जो है वो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक या एजुकेशनल डेवलपमेंट से लिंक होना चाहिए, ताकि जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो जो आपने पैसा लगाया है वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स जो है उसके देखने को मिले। ठीक है, देन अगर बात करें नेशनल और एरिया स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सैटेलाइट हो सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेशनल भी हो सकता है, एरिया स्पेसिफिक भी हो सकता है, बट जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो वो हमारा रीजनल ही रहेगा, वो नेशनल लेवल पे नहीं हो सकता। तो नेशनल लेवल पे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। सैटेलाइट की लाइफ कितनी होती है, मतलब एक सैटेलाइट जो हमने लॉन्च कर दिया वो कितने टाइम तक रहेगा वहां पे, कितने टाइम तक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो सोलर पैनल्स हमने लगाई है ना, वो डिस्क्राइब करेंगे कि लाइफ कितनी है सैटेलाइट की, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट निकल के आ रहा है उन सोलर सेल से, आठ से 10 साल के बाद, जितना मान लो आज वो 100% परफॉर्म कर रहे हैं, तो 8-10 साल के बाद 20% डिक्रीज हमें वहां से देखने को मिलेगा। सो उसकी वजह से फिर हमें 10 से 12 साल हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस 10 से 12 साल तक कॉन्टिन्यूटी में हमने उस सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ली, उसको यूज किया, उसके बाद हमें दोबारा से लॉन्च करना पड़ेगा दूसरा सैटेलाइट, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि हर 10 से 12 साल में अगर हर एक देश भी कर रहा है तो कितने सारे सैटेलाइट्स वहां आपको डेब्रिस देखने को मिलेगा, यानी जितना कूड़ा करकट हम अपने देश में फैलाते हैं ना, उससे भी ज्यादा कूड़ा करकट जिसको हम स्पेस डेब्रिस बोलते हैं वो हमें स्पेस में देखने को मिलता है। सो ये चीज नुकसानदायक रहेगी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए, क्योंकि हम उनको वापस नहीं बुला सकते, वो वहीं रहेंगे स्पेस में एक बार चले गए तो। ठीक है, सो एक लाइफ स्पैन जो इंडियन सैटेलाइट जो हमारा इनसेट 1A है एंड 1B, वो 7 साल रहा। अगर हम इनसेट 1B की बात करें तो वो 1983 में लॉन्च किया गया था, 108 महीने ऑपरेशनल रहा वो। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है किस पे, आपकी जो सोलर पैनल्स आपने लगाई हैं उनके ऊपर। अगर हम देखें सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करें, सो सैटेलाइट के लिए हमें जो वो हाई टावर सिस्टम है या ग्राउंड लेवल पे चीजें, हाई पावर या हाई टावर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर हमारा टीवी चल रहा है तो वो सैटेलाइट से ही हमारा टीवी सिग्नल पकड़ रहा है ना, टीवी के लिए तो आपने अलग से टावर नहीं देखा होगा कोई, लेकिन जो फोन वगैरह है उनके लिए हम कई बार टावर देखते हैं, जिसमें हमें अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, जो टावर हम सेटअप करते हैं जैसे हाई टावर सिस्टम, वो हमें टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे पीतनपुरा में जो है, ये दिल्ली में इंडिया में 235 मीटर का एक ट्रांसमीटर लगा रखा है, मतलब टावर, इतनी हाइट है उस टावर की। ओके, तो वो हमें टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हमें हाई टावर और हाई पावर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, पावर नहीं देनी पड़ती यहां पे, क्योंकि पावर कैसे मिलेगी, सोलर से इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा वहां से मिलेगी ना, सैटेलाइट में तो। डज नॉट नीड मच ग्राउंड इक्विपमेंट, तो धरती पे हमें इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जो टेलीविजन का सेट टॉप बॉक्स है छोटा सा वो भी सिग्नल जो है वो पकड़ लेगा। बट यहां पे जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है, जैसे दूरदर्शन इंडिया है, उसके लिए पूरे देश में 529 ट्रांसमीटर लगाए गए हैं देश का अलग अलग जगह पे, उसकी कवरेज, वाइड कवरेज के लिए। ठीक है, तो वो यहां पे वाइड कवरेज करनी है तो हमें नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स लगेंगे, यहां पर ऐसी कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ये है, ये मोर पॉजिटिव पेसिंग और कंट्रोल देता है हमें डेवलपमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता रहेगा, बट यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लो रहेगी, यहां पे हाई रहेगी। ओके, यूज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कुड इंस्पायर द टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ताकि वो मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करें, क्योंकि एक रिमोट विलेज में भी सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ओके, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, कई बार हिंड्रेंसेज हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज पोजिशन जो ली गई है लोकल अथॉरिटीज ने, जो चीजें की हैं यहाँ लोकल लेवल पे, वो कई बार जो है रीजनल लेवल पे अगर कोई दिक्कत हो गई तो वहां पे हिंड्रेंस हमें देखने को मिलेगी। बट ये वाली चीज भी है कि टेरेस्ट्रियल में अगर
कोई दिक्कत होती है तो वो लोकल लेवल पे ही होगी वो दिक्कत, लेकिन अगर सैटेलाइट में कोई दिक्कत हो गई तो वो ओवरऑल सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी प्लानिंग के लिए। यहाँ पे लिमिटेड कवरेज अगर ये दे रहा है, रीजनल लेवल पे कवरेज दे रहा है, सो इसकी ड्रॉबैक्स भी उसी तरीके से होंगी। कंपैरेटिवली कम टाइम चाहिए होगा हमें इसके कंपैरिजन में, ये इफेक्टिव होगा लार्ज कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ कंट्री के लिए या एक स्मॉल कंट्री के लिए सुटेबल रहेगा। टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा नेचर कैसा है टेरेन का, मतलब चाहे पहाड़ हो चाहे प्लेन एरिया हो वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेम लेवल का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कई बार माउंटेन या जो सी एरिया है वहां पर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। सो कम्युनिकेशन कैपेसिटी जो है वो रीजनल सिस्टम से बाउंड रहेगी और हमें एडिशनल कोस्ट जो है वो बीच बीच में जरूरत उसकी पड़ेगी। यहाँ पे इंक्रीज कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कम्युनिकेशन, और हमें एक बार जब कोस्ट लगा दी उसके बाद एडिशनल कोस्ट की भी जरूरत नहीं है 10 से 12 साल के लिए। ओके So, ये जो डिफरेंसेस है ये पता होने चाहिए आपको, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ओवरऑल नीड्स अगर हम बहुत सारे लोगों की देखें, ये जो है ये रीजनल इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम फेलियर नहीं होगा, इतना डिजास्टर्स नहीं होगा जितना कि सैटेलाइट के केस में अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो वो सारा का सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रीजनल लेवल पे दिक्कत आएगी। सैटेलाइट चूंकि पूरे देश या हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हो, वो अगर सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ाई या ब्रेकडाउन हो गया तो वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हमने बोला ना, वहां पे भी तो स्पेस कम होता जा रहा है अब, तो वहां पे भी हमें पार्किंग स्पेस की जरूरत है कि हमारा सैटेलाइट कहां पे जाके जो है वो पार्क हो रहा है, सो उस चीज की भी हमें जरूरत पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्शन वाया सैटेलाइट जो है वो अनइक्वल जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है ना उनको कम कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने नेटवर्क कनेक्शन बेटर प्रोवाइड करवा दिया सैटेलाइट की हेल्प से सो वो क्या हो जाएगा, एक वो होता है ना ट्रूली हम शेयर कर पाएंगे हमारी नॉलेज हर जगह, एजुकेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सबके पास एजुकेशन पहुंच पाएगी। बट यहाँ पे सिर्फ रीजनल लेवल पे ही चीजें पॉसिबल हैं, पार्किंग स्पेस की कोई जरूरत है नहीं, चीजें मैनेज हो जाएंगी। बट हाँ यहाँ पे ओवरऑल हमें यही समझ आता है कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में रीजनल लेवल तक लिमिटेड है हम, रीजनल REGIONAL, ठीक है, रीजनल लेवल तक लिमिटेड है, लेकिन सैटेलाइट में कॉस्ट ज्यादा लग रही है, वी अग्री, बट वो क्या हो रहा है हम बड़े लेवल पे उसकी कवरेज भी बड़े लेवल पे है, ठीक है जी। यानी हमें समझ आ गया कि सैटेलाइट इंपॉर्टेंट तो है, ओके, तो उसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में या सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन में हमें इनसेट एजुसेट इग्नू ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये चारों की चारों SITE इग्नू इनसेट और एजुसेट। आई होप आपको सैटेलाइट से रिलेटेड बेसिक समझ आ गई हो, फिर भी समझ नहीं आए हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन your efforts.